प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज की क्लास में हम मात्राओं में सीखेंगे ए की मात्रा और ए की मात्रा में डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसको पहले भी आपको बताया है लेकिन फिर भी बच्चे पूछते हैं, तो मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ। देखिए बच्चों, आपका ये स्वर है ए, यह है ए से एडी, ठीक है? अपनी एडी टच करिए पाँव में, यस वेरी गुड। और ये है ऐसे ऐनक, ऐनक मीन्स चश्मा, यस, जो गांधी जी पहनते थे, मम्मा भी पहनती होगी किसी की, और किसी की दादी दादा पहनते होंगे, है ना बच्चों? तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। पहले तो हम इसका साउंड जानते हैं, इसका उच्चारण क्या होता है। इसका उच्चारण है ए, है ना? क्या है? जैसे ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, और यह है ऐसे ऐनक, ए ए। समझ आ गया ना आपको डिफरेंस? ए ए, इसका ऐसे उच्चारण करते हैं, मतलब इसका साउंड ये बोलते हैं हम। अब देखिए इसकी मात्रा क्या होती है। देखिए ए की मात्रा हमेशा उसके हेड पे लगती है। कैसे लगती है? एक स्लैंटिंग लाइन को हम कर बना देते हैं तो ये बन जाती है ए की मात्रा, इसके हेड पे लगती है, ठीक है? और इसका साउंड क्या होता है? ए। क्या होता है? ए, जैसे एप्पल होता है, ए फॉर एप्पल, ए बोलते हैं ना, यस। तो लगा के देखते हैं, ये देखो आपको पता है किसी भी व्यंजन में हम मात्रा लगाते हैं तो व्यंजन का साउंड और मात्रा का साउंड मिक्स होके एक डिफरेंट साउंड बनाता है ना। तो ये है देखो क, इसका क्या साउंड है? क, है ना? तो इसका ऑलरेडी एक साउंड है क, अब इसका साउंड क्या हो गया? ए। तो इसमें हम क में ए की मात्रा ऐड कर देंगे इसके हेड पे, है ना बच्चों? जो स्टैंडिंग, सब लेटर्स क्या हैं, एक स्टैंडिंग लाइन से मिलकर बनते हैं। कुछ लेटर्स नहीं भी बनते हैं तो उनके सेंटर में हम मात्रा लगाते हैं, ठीक है? इसके सर में हमने क्राउन पहनाना है, ठीक है ना? तो कैसे लगाएंगे? क, क की जो स्टैंडिंग लाइन है, दिस इज स्टैंडिंग लाइन, है ना? इसको टच करते हुए हमने एक स्लैंटिंग लाइन बनाई, उसको कर्व कर दिया, तो ये क्या बन गया बताओ? इसका साउंड था क, इसका साउंड है ए, तो क्या बनेगा? के। दोनों का साउंड क्या हो गया? मिक्स हो गया, मिल गया, के बन गया। ऐसे ही दूसरे व्यंजन में लगाएंगे ख प्लस ए की मात्रा, ख ए क्या बन जाएगा? खे, राइट? ऐसे ही रैंडमली कोई भी लेटर ले लेते हैं, जैसे ट लिया हमने, है ना? ट प्लस ए की मात्रा तो क्या बन गया? टे। क्या बना? टे। तो समझ आया आपको? ये इसके हेड पे लगती है, इसका साउंड ए होता है, और मिक्स होकर के क्या बन जाता है? डिफरेंट साउंड बनता है, ठीक है बच्चों? अब देखो ए की मात्रा क्या होती है, ये है ऐसे ऐनक, है ना? ऐनक मीन्स चश्मा, आप सभी को पता है। इसमें ऑलरेडी एक मात्रा होती है तो एक और हम इसके हेड पे ही लगाते हैं, तो ये ए की मात्रा कैसी होती है? ऐसे, ठीक है? एक स्लैंटिंग लाइन, उसी के साथ, इसी के साथ, ये पंच के साथ ही हम दूसरा स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन बना लेते हैं, ठीक है? कई बच्चे इसको ऐसे लगाते हैं, वो रॉन्ग होता है, ठीक है ना? आपको कैसे लगाना है देखिए, क में हम लगा के देखेंगे, क प्लस ए की मात्रा, इसका साउंड कैसा है? ए। कैसा है? ए। तो यहीं से टच करते हुए स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, और मात्रा कैसे लगाएंगे? देखिए स्टैंडिंग लाइन ये है, टच करेंगे, ये बन गया के, क ए के, ठीक है? फिर नेक्स्ट लेटर हम ले लेते हैं ख, ख प्लस ए की मात्रा तो क्या बनेगा? खै, है ना? अगर हम कोई भी और लेटर ले लेते हैं, च प्लस ए की मात्रा तो क्या बन जाएगा बच्चों? टै। तो समझ आया आपको? इसमें ए की मात्रा होती है और इसमें दो स्लैंटिंग लाइन लगती हैं और उनको कर बना करके मात्रा बनाते हैं, ठीक है? इसका साउंड है ए, इसका साउंड है ए, ठीक है ना? समझ आ गया आपको? इनसे रिलेटेड कुछ शब्दों को पढ़ना सीखते हैं ताकि आप उनके डिफरेंस को इजीली और समझ पाओ। यह है ए की मात्रा वाले शब्द, ये देखिए क्या है, भ, भ में ए की मात्रा भेड़, ये ड से डमरू था, इसमें डॉट लग गया तो क्या ये बन गया? ड बन गया, भेड़, एंड भेड़ मीन्स होता है शीप, ठीक है? फिर है श, श में ए की मात्रा शेर, शेर, शेर मीन्स लायन,
में एक ही मात्रा भेड़ी या भेड़िया, भेड़िया मीन्स वुल्फ, ठीक है। फिर आया आपका न, न में एक ही मात्रा ने व ला, नेवला। नेवला क्या होता है? मंगूस। और बच्चों ये स्नेक को खाता है, ठीक है, ये भी एक एनिमल है। न, न में एक ही मात्रा नेताजी, नेताजी क्या है? लीडर थे। ह, व में एक ही मात्रा वेली, हवेली। हवेली क्या होता है? महल, पैलेस, ठीक है, एक हवेली, बड़ा सा घर जो होता है। फिर है आपका प, प में एक ही मात्रा पेड़, पेड़, पेड़। ड नहीं पढ़ेंगे आप इसको, अगर यहाँ पे डॉट नहीं होता तो आप इसको ड पढ़ते, पेड़ पढ़ते, लेकिन यहाँ पे डॉट है तो ये ड बन गया, पेड़। पेड़ मीन्स ट्री। क, क में एक ही मात्रा केला, केला, केला मीन्स बनाना। म, म में एक ही मात्रा मेज, मेज, मेज मीन्स टेबल। लालटेन, लालटेन मीन्स लैम्प, जो अंधेरे में जलाते हैं, ठीक है बच्चों। र, र में एक ही मात्रा रेल, रेल, रेल मीन्स ट्रेन। छुक 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 छुक। क, क में एक ही मात्रा केश, केश, केश मीन्स बाल। अपने अपने बाल टच करिए सभी, वेरी गुड। तो ये तो आपने क्या पढ़ा? एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा, ठीक है ना, एक ही मात्रा। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? इसमें एक ही मात्रा है और इसका साउंड ए पढ़ते हैं। अब हम ए की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। मैंने आपको इसका क्या बताया, इसका साउंड कैसा आता है? ए आता है ना। सैनिक, सैनिक, सैनिक मीन्स सोल्जर्स, जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो त में ए की मात्रा तैराक, तैराक, तैराक मीन्स तैरने वाला। फिर है थ, थ में ए की मात्रा थैला, थैला, थैला मीन्स बैग, जिसमें सामान लेके आते हैं। ल, ठैत, लठैत, लठैत मीन्स जिसके हाथ में क्या है? लाठी है, ठीक है, डंडा है ना ये। फिर है ब, ए, ल, बैल, तो आप सभी को पता है ऑक्स है ना, एनिमल होता है। कौन सा एनिमल होता है बताओ? वाइल्ड एनिमल होता है, डोमेस्टिक एनिमल होता है? यस, डोमेस्टिक एनिमल। फिर क्या है? म, ए, ना, मैना, मैना क्या है? एक बर्ड है, प्यारी सी, देखो। फिर है प, ए, र, पैर, ये है आपके पैर, लेग्स। फिर है क, ए, म, रा, कैमरा, कैमरा तो आप सबको पता है, पिक्चर्स लेते हैं इससे, है ना, फोन में भी कैमरा होता है। तो बच्चों ये डिफरेंस है ए की मात्रा और ए की मात्रा में। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। आप मात्रा पे ध्यान दीजिए, उसको कैसे लगाया गया है पहले समझो उसको, फिर उसको रीडिंग की प्रैक्टिस डेली डेली करोगे तो आपके क्या है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल हेल्प यू। ओके बच्चों, थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय।